अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा सलमानी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवर की सब्ज़ी, जो कि सिंपल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो परवर ले ली हूँ। परवर यहाँ पर छोटे बड़े साइज़ में हैं। अब हमें इसे अच्छे से वॉश करके, ऊपर से पील करके, और इसे इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में हमें कट कर लेना है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मोटे बीज हो गए तो आप उसे निकाल सकते हैं, वरना फिर आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक तपेली रख दी है गैस पे, इसे हम गरम कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को अब हम यहाँ पर गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हमने जो कटी हुई परवर है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल में हमें इसे भुनना है। तो अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा परवर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो हमें इसे तेल में अच्छे से बस भुनना है, इसमें यही काम है और बाकी तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो अभी आप देख सकते हैं कम से कम इसे भुनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हूँ, पतले स्लाइस में कट की हुई। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और परवर और प्याज को हम एक साथ में अच्छे से अब यहाँ पर हमें फ्राई करना है इसे तेल में। तो अभी आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज भी हमारी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से हमें इन दोनों को भुनना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू और हरी मिर्चें। आलू मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ और मिर्ची आप अपने टेस्ट के तीखे के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर आप नमक ऐड कर ले, नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब हमें बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। और अब हम इसे ढककर रख देंगे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो अभी 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज और परवर की कलर जो है वो चेंज होने लगा है और आलू भी हमारा हल्का सॉफ्ट होना शुरू हुआ है, बट अभी गला नहीं है पूरी तरीके से। तो अभी हमें आलू को गलने देना है, तो इसलिए अभी हम इसे मिक्स करके और इसे ढक करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी का कलर पूरा चेंज हो चुका है और आलू भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस ये इतनी सिंपल सी रेसिपी थी, बट ये सिंपल के साथ ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं है, इसमें मसाले कुछ भी नहीं है, बट बहुत टेस्टी बनती है सच में, ट्राई करना आप भी। तो बस यही थी, चलिए सर्व कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।